हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। राज्य की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अली मुर्तजा नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में अंबाला भेज दिया गया। अंबाला के एसपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि आरोपी के पास से 3 भारतीय सिम बरामद हुए हैं, जिनमें से 1 इनएक्टिव है जबकि 2 एक्टिवेट है। वह इससे पहले 8 बार अंबाला चुका है। इसमें उससे 3 इंडियन सिम्स मिले थे, जिसमें से 1 तो इनएक्टिव था, 2 सिम्स एक्टिव थे जो उसकी आईडी पे नहीं थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो फॉरनर्स एक्ट का तो उसने वॉलेशन किया ही था, वो हैदराबाद गया जहाँ का उसके पास परमिशन नहीं थी, प्लस अंबाला की। सेकेंडली जो पहली जो ये इसकी ये 9th विजिट थी, उससे पहले ये जब आया था उस टाइम जो ये इंडियन सिम यूज़ करता था, 2 साल से जो ये इंडियन सिम यूज़ कर रहा था, वो जब ये लास्ट विजिट यहाँ आया था, ये सिम वहाँ पे जब ये वापस गया तो सिक्योरिटी पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को इसने दे दिया था, और उस सिम का उन एजेंसीज ने दुरुपयोग किया है टू गेदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन फोर्सेस। तो इस संबंध में भी उससे बातचीत हुई है, और इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगा है कि वो आर्टिकल्स जो इंडियन सिम्स थे, अगर उसने वहाँ दे दिया था तो उसको या तो उसको ब्लॉक कराना चाहिए था, प्लस वो सिम्स उसके नाम पे भी नहीं थे। सर और भी कुछ यहाँ से वो भेजता था? नहीं, और कोई उससे ऐसे कुछ बात सामने नहीं आई है कि वो कुछ या उससे कोई मटेरियल ऐसा नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि वो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। आरोपी के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति रेलवे स्टेशन से सेना क्षेत्र में घुसने की कोशिश में है। CIA 2 ने अलर्ट के बाद उसे हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि अली मुर्तजा पाकिस्तानी है और उसके पास अंबाला शहर का वीजा था ही नहीं। CIA 2 ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यूज डेस्क।